हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है और तो आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 6 रीज़न टू बाय ए लैब्राडोर, यानी 6 कारण जिसके कारण आप जो है लैब्राडोर बाय कर सकते हो, ले सकते हो, एडॉप्ट कर सकते हो या फिर अपने फैमिली मेम्बर में उसे ला सकते हो। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक रीज़न करके मैं आपको 6 रीज़न बताने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन जिन लोगों ने ऑन नहीं किया उन लोगों से ज़रूर से बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला जो मेन रीज़न है वो है इसकी पॉपुलैरिटी। आप सभी को पता है कि लैब्राडोर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इन डॉग का जो रैंकिंग नंबर है वो 1 पे आता है और बहुत जगह पे इन डॉग का यूज़ भी होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, इनको लैब्राडोर काफ़ी शांत स्वभाव के लगते हैं जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण जो है आप लैब्राडोर ले सकते हो। तो गाइस, जो सेकंड पॉइंट है वो है इनको ट्रेन करना और डिसिप्लिन में रखना है। ये डॉग ब्रीड को ट्रेनिंग देना काफ़ी आसान है और इनको आप डिसिप्लिन भी आराम से जो है सिखा सकते हो। ट्रेनिंग देते टाइम भी आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या होता है, जो डॉग्स होते हैं बाहर ट्रेनर के पास जाते हैं उनको सिखाने के लिए, तो उसका काफ़ी ज़्यादा पेमेंट भी देना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। बट लैब्राडोर के साथ ऐसा नहीं है, आप इसको इजी टू ट्रेन भी आप रख कर सकते हो और अपने घर पर भी इसको आराम से ट्रेनिंग दे सकते हो। गाइस, जो तीसरा जो पॉइंट है वो है इनका खाना। आपको पता है कि कभी कभार आपके घर में कभी कभार पैसे नहीं होते, कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम आ जाते जिसके कारण आप जो महंगे डॉग फूड नहीं ले सकते या फिर कुछ खाना नहीं ला सकते, तो ऐसे में लैब्राडोर आपके लिए काफ़ी सही रहेगा क्योंकि घर का खाना भी अच्छे से खा लेता है। इसको कोई ऐसा नहीं कि आप उसको डॉग फूड ही दीजिएगा या फिर नॉनवेज वगैरह रेगुलर बेसिस पे देना ही है, ऐसा कोई इसको डिमांड नहीं है। अगर आप नॉर्मल घर का खाना भी देते हो, कभी कभार डॉग फूड भी देते हो, तो ये इजीली आराम से खा लेते हैं और आपको ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम भी नहीं करते। तो गाइस, जो चौथा पॉइंट है वो है इनकी जो नेचर की बात। तो नेचर की बात करें तो लैब्राडोर का नेचर काफ़ी शांत स्वभाव का होता है और काफ़ी अच्छा होता है। चाहे आपके घर में छोटे बच्चे क्यों ना हो, ये इजीली उनके साथ घुल मिल जाते हैं, उनके साथ अच्छे से रहते हैं। और अगर आप कभी कभार बच्चों पे या फिर किसी के ऊपर डांटते तो लैब्राडोर उन्हें डांटने भी नहीं देता, बार करके आपको रोकने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ अगर आपके घर में झगड़ा भी होता है, दो भाई लड़ते हैं या फिर कोई आप किसी के ऊपर डांटते, तो ऐसे कंडीशन में भी लैब्राडोर का नेचर काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है और उस कंडीशन में लैब्राडोर बार करके आपको शांत रखने की कोशिश करता है। और इसके अलावा जैसे कि 10 प्रॉब्लम ऑफ लैब्राडोर, 10 बेनिफिट्स ऑफ लैब्राडोर, इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखी, तो वो भी आप देखना जरूर से। वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको ये दोनों वीडियो देखने को मिलेगी, तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखना। जो 5th रीज़न की बात करें तो वो है इनका प्राइस। इनका प्राइस काफ़ी आपको लो बजट मिलेगा, यानी इतना भी लो नहीं, मीडियम। अगर आप मीडियम फैमिली से बिलोंग करते तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इनका प्राइस है डिपेंड करता है क्वालिटी पे। तो आपको 12,000 से 18,000 के बीच में आपको अच्छे क्वालिटी का डॉग ब्रीड मिल जाएगा। मेल या फीमेल दोनों में से आपको कोई भी चाहिए तो आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो इसका प्लस पॉइंट है और इसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होता, यानी ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, आपको रीजनेबल रेट में आपको डॉग ब्रीड मिल जाएंगे। जो 6th रीज़न है जिसके कारण आप लैब्राडोर बाय कर सकते हो या ले सकते हो वो है आपका घर। आपका घर अगर छोटा है, यानी 2 BHK हाउस है, तो भी आप इसके आराम से रख सकते हो। अगर आपका घर 3 BHK है या फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो भी काफ़ी अच्छे से आप इसे रख सकते हो। ग्राउंड में आप इसको ले जा सकते हो, घुमा सकते हो, जिसके कारण इसकी एक्सरसाइज भी प्रॉपर तरीके से हो और आपके घर में भी आराम से एडजस्ट हो सके। अगर 1 BHK तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है, बट 2 BHK 3 BHK में ये डॉग ब्रीड आराम से रह सकते हैं। तो गाइस, यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ जिसके कारण आप जो लैब्राडोर बाय कर सकते हो, वो है कि लैब्राडोर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा डॉग ब्रीड लगता है। आपको बहुत सारे कलर में भी मिल जाएगा, चॉकलेट, क्रीम या फिर आपको थोड़ा बहुत व्हाइट और चॉकलेट कलर में भी ये डॉग ब्रीड मिल जाएगा, ब्लैक कलर में मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे कलर में आपको ये डॉग ब्रीड मिल जाएगा और एकदम शांत स्वभाव के होते हैं और काफ़ी खूबसूरत डॉग ब्रीड लगती है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको इनमें से कौन सा रीज़न अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और मेरे सेकेंड चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।